this, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the bass, turn up the bass and make some fun. Let's have our special guest for the interview, AB. As always, I know you have a lot of questions, so why don't you take the first one? Yeah, bilkul. Fauzi Ajay, hamare saath rehne wale. Fauzi Ajay, welcome, sir. Welcome. Very, very happy to see you here. Kaisa lag raha hai? Aapne first point nikal liya. Finally, aaj ke din kaisa lag raha hai? काफी अच्छा लग रहा है. लाइक जो स्टार्टिंग गेम थोड़े शेकी गए थे काफी, तो लग रहा था कि थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत. बट हाँ, मैंने सोचा कि टॉप थ्री में तो फिनिश कर देंगे इजीली, बट टॉप वन सोचा नहीं था. बट ये के बोलते हैं कि अच्छा लगा कि सडनली टॉप क्या बोलते हैं टेबल टेप निकला. हाँ? टेबल टॉप निकला, मतलब मैं समझ नहीं पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ जा रहा. तो वही कि एकदम से निकला तो मैं तो भी ओके दिमाग कॉल आया मेरा. ओके ठीक है भाई. ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन फॉर अजय भाई, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट कभी कभी ऐसा आपको प्रेशर लगता है कि देखिए एफएफआईसी में आपने पहले विजेता है आप, कभी ऐसा प्रेशर लगता है कि देखो यहाँ पर इतनी सारी ऑडियंस है एंड आई नो कि सिर्फ और सिर्फ चैट में सिर्फ #TG चलता है, आपको कभी ऐसा प्रेशर लगता है कि यार अगर आज इस मैच में अगर प्रेशर तो मिलता है, बट वो प्रेशर एक गुड वे पे होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं खेलूंगा तो ये नहीं कि मुझे कुछ उल्टा सुनने को मिलेगा. ये इसलिए मुझे बुरा लगता है कि मेरे मतलब जो भी फैंस है, जो टीम के फैंस है, वो मतलब एक होता ना कि शैड हो जाता है कि टीम परफॉर्मेंस में, तो उनके लिए बुरा लगता है मेरे को कि वो थोड़ा प्रेशर होता है कि उनको बुरा ना लगे. ये थोड़ा मैनेज करना पड़ता है. देखिए यार, आप जब इतने बड़े स्तर पे खेल रहे होते हो, इतना बड़ा नाम होता है आपका, आपके आपकी टीम का, आपका खुद का, तो फैंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड फैंस हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो जीतते हैं तो खुशी भी उतनी मनाते हैं, अगर आपकी हार होती है तो गम भी उतना ज़्यादा मनाते हैं, एंड देर वेरी वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स. तो प्रेशर तो हमेशा रहता है. लेकिन यार देखिए, पहले FFIC आप जीता, मुझे अभी भी याद है 2019, मुझे मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी आपके बारे में सोचता हूँ, स्टेज पे गए थे आप एज अ व्यूअर, पहली टूर्नामेंट आपकी भी और मेरी भी, एंड आज FFIC के स्तर पे आ चुके हैं, आपने एक FFIC ऑलरेडी जीत लिया है, लेकिन तीसरा एडिशन ये जो हो रहा है, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था? बिकॉज देखिए, जो दूसरा FFIC हुआ था वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, जितना परफॉर्म करना था उतना कर नहीं पाए, तो आपने क्या क्या चेंजेस किए इस बार? कुछ नहीं कहता ना, इंसान अपनी परफॉर्मेंस से सीखता है या फिर कुछ सिचुएशन जो होती है उसके ऊपर जो चल रहा होता है वो सब देख के कमबैक करना पड़ता है. अभी नया FFIC है तो नया स्ट्रेटेजी, अभी लीग चल रही है, फाइनल के लिए कुछ और, अभी कुछ और, थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है. तो प्रिपरेशन तो काफी कर रखा है, वो धीरे धीरे पत्ते खुलते रहेंगे. एज यूजुअल जैसे आप पता है, फर्स्ट इंटरव्यू आपने लिया था और यू ऑलवेज योर फेवरेट, तो वही है कि धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे. आपको स्टार्टिंग बोलता हूँ कि पत्ते एकदम स्टार्टिंग में मत खोलते, चलो धीरे धीरे खोलते, धीरे धीरे खोलते चलेंगे. पर मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से आप खेल रहे हो पत्ते खोलने की जरूरत पड़ेगी. डिलीट को खुला छोड़ दो बस आखिरी जोन में, वो कर लेगा अपना जो करना है वो. हाँ, बहुत ही ज्यादा शानदार गेम रहता है. इट्स इनसेन, क्योंकि देखिए जो दोनों गेम्स, पांचवी और छठी गेम, जहाँ पे गेम निकालो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था, उन्होंने निकाल लिया ये भी. जहाँ बिल्कुल निकाल लिया था. एंड अजय भाई, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपको. आई नो एंजॉयबल पूरा टाइम है, आराम से आप लोग जाके चिल करो, बिकॉज अभी तो यार पूरा का पूरा ये शुरुआत ही हुआ है. And we have a lot of more matches to go as well. But thank you so much for joining as well. Any signing of words कि आप जो दर्शकों को बताना चाहो आपके तरफ से? बस कुछ नहीं यार, इतना सपोर्ट करने के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम भी अच्छा खेलते रहेंगे यही. Well, that brings our day to the end, ladies and gentlemen. Thank you so much. आप हमारे साथ जुड़े, जितने भी दर्शक देख रहे, ढेर सारा प्यार आपको भी. Obviously, यहाँ पे फौजी भाई को तो मिलते रहता है. But ladies and gentlemen, अगले weekend आपके इंतजार करेंगे, same जगह, same समय पे. But until the next time, it is going to be Mamba, AB and Ajay signing off.